अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक आरिफ अलवी पूरे सिस्टम को लड़ गए। हुकूमत को वादे पैगाम दे दिया, तारीख का ऐलान करो इलेक्शन की वरना मैं कर दूंगा। तफसीलात आपको बताएंगे, वज़ीर कानून की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ ये आपको बताएंगे। चला गया या इस्तीफा दिया गया ये भी आपको बताएंगे। ओहदेदार हैं डिप्टी चेयरमैन नायब दाहिर शाह। और कराची में सख्त और फौरी इंसाफ हो गया। 2012 के बल्दिया टाउन में होते फैक्ट्री में लगने वाली आग की पहली अपील पर आज फैसला हो गया। नाज़रीन, ये तीन अहम खबरें हैं आज, लेकिन पहले आरिफ अलवी साहब की बात करते हैं। आज फिर एकदम से वज़ीर कानून अहमद अली इरफान असलम उनकी मुलाकात की सदर मुमलिकत के साथ खबर आई। ईवान सदर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि सदर मुमलिकत और वज़ीर कानून की मुलाकात में इलेक्शन के इनेकाद पर मुशावरत हुई और सदर मुमलिकत ने यह कहा कि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है और उस पर मुशावरत होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल ही मुशावरत से आगे बढ़ता है और बर वक्त इंतखाबात का जमहूरी अमल के लिए इनेकाद बहुत ज़रूरी है। बाद में अचानक ये वाने सदर के दराए से भी और फिर हुकूमती दराए से भी ये खबरें मिलना शुरू हुई कि सदर मुमलिकत ने वादे कर दिया है कि वो किसी वक्त भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। अब हुकूमत का मौकफ तो बहुत वाजे है, वजारत कानून भी ये कह चुकी है। और इसमें आपको एक और बात बताते चलें, दो रोज़ पहले यानी सैटरडे को वज़ीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत न अपने जानशीन के इंतखाब तक सदर रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 44(1) ये कहता है कि सदर का इंतखाब 5 साल के लिए होगा, लेकिन अगर 5वें साल में उनके मुद्दत की तकमील जो है उस वक्त तक अगर उनके जानशीन का इंतखाब नहीं होता तो सदर मुमलिकत अपने जानशीन के इंतखाब तक कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आरिफ अलवी साहब उपूरी सदर नहीं है, सदर मुमलिकत के तौर पर वो कंटिन्यू करेंगे बकिया मुद्दत जब तक उनके जानशीन का इंतखाब नहीं हो जाता। फिर मैंने जब ये खबरें आना शुरू हुई तो मैंने आर्टिकल 48(5) पढ़ना शुरू किया। 48(5) बहुत वाजे है। 48(5) ये कहता है कि सदर जब एडवाइस पर असम्बली बर्खास्त करेगा, तहलील करेगा, तो उसके बाद वो ही विल अपॉइंट, उसमें लफ्ज लिखा हुआ है ही शैल अपॉइंट, यानी वो इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेगा, जिसमें जो आर्टिकल 48(5) है उसका सेक्शन ए ये कहता है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो 90 रोज से ज़्यादा नहीं होगी और 90 रोज की मुद्दत शुरू होगी उस रोज से जिस रोज असम्बली डिसॉल्व होगी, यानी उस रोज से लेकर 90 रोज के अंदर अंदर वो इलेक्शन कराने हैं, चाहे 89 दिन में करा लें चाहे 85 डेज में करा लें। और अब हुकूमत के जानिब से एक नया खड़ा किया गया है, हल्का बंदियों के नाम पर मरदमशुमारी के नतज मंजूर किए गए, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ शुरू कर दी गई। सदर मुमलिकत का ये मौक़ है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। सदर ने पहले एक खत लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी गुज़िश्ता माह इनवाइट किया था कि आइए मुशावरत करते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दे दिया। 27 अगस्त को गलबा दिया जवाब दिया था, उन्होंने ये जवाब दे दिया कि मैं तो आपसे मुशावरत का पाबंदी नहीं हूँ, क्योंकि सेक्शन 30 में तब्दीली हो चुकी है और उस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। सदर मुमलिकत ने उनका खत वजारत कानून को भेजा, वजारत कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौकफ़ की हिमायत करके खत वापस भेज दिया। आर्टिकल 48(5) और 48(5A बहुत वादे हैं, यानी सदर मुमलिकत को तारीख मुकर्रर करना है चाहे वो ऐलान करे ना करे। ऐलान वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन को भेज दें तारीख के, इस तारीख को करा दें, खुद भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती मौकफ मुख्तलिफ है। तो ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर कानून ने उनको ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन आपकी दी हुई तारीख पर इनकार कर सकता है, उसको मुस्तरद कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप तारीख का ऐलान ना करें। मैंने ईवान सदर के ज़राए से पूछा कि इस मुलाकात में और क्या क्या हुआ, तो ज़राए ने यह बताया कि सदर मुमलिकत जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर अपने जो लीगल एडवाइज़र हैं ईवान सदर के, एक रिटायर्ड जज साहब हैं, उनसे मुलाकात की थी और उनसे मुशावरत भी की थी। सदर मुमलिकत ने आज वज़ीर कानून को बहुत ये वादे पैगाम दिया कि हुकूमत को बता दो, वज़ीर कानून को उन्होंने कहा कि हुकूमत को बता दो कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर कानून ने उनको ये यकीन दिलाया कि वो उनका पैगाम जाकर वज़ीर आज़म को एज इट इज़ बता देंगे, यानी वो पैगाम पहुँचा देंगे, उसके बाद फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है और हुकूमत की मशावरत से फैसला होगा, लेकिन
जो बुनियादी धमकी हुकूमत की जानिब से दी गई वो यही थी कि जी अगर आपने इलेक्शन का ऐलान किया तो इलेक्शन कमीशन वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल के की मुशावरत से उसको आगे मुस्तरद कर देगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बीच में मुस्लिम लीग नून भी आ गई, मुस्लिम लीग नून वो शामिल बाजा हो रही है। बहरहाल उनका भी ये कहना है सदर बुरी सदर है, आइन में बुरी सदर का कोई तस्करा नहीं है। हाँ, सदर मुमलिकत अगर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर बुरी सदर आ सकते हैं, वो सादिक संजानी आ सकते हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि सदर को हटाने की तीन तरीके वादे। एक इम्पीचमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ज़रूरियात और लवाजमात पूरे करना इस वक्त मुमकिन इसलिए नहीं है कि पाँचों चारों असम्बलियाँ नहीं हैं, कौमी असम्बली नहीं है, और कौमी असम्बली और सैनट मिलकर सदर को हटा सकते हैं, उसमें बाकी सूबाई असम्बलियों का कोई किरदार नहीं है। दूसरा, सदर मुमलिकत को कोई मेडिकल बोर्ड जो है वो ज़हनी तौर पर अदम तबादुन का शिकार शख्स करार दे दे, यानी पागल करार दे दे, वो भी मुमकिन नहीं है। सदर आरिफ अलवी का मुआयना होता है, रेगुलर मुआयना होता है, MH में होता है और उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है, सेहतमंद है। तीसरा तरीका ये जो है वो यह कि सदर मुमलिकत खुद इस्तीफ़ा दे दें या सदर मुमलिकत किसी भी वजह से अपने फ़रायद अंजाम देने के काबिल ना रहें। लेकिन मैंने वाने सदर से पूछा तो वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत सिर्फ न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है बल्कि डिटरमिन भी है। एक जरिए का तो ये भी कहना था कि सदर बहुत जुरत से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल किसी का तो ब्लैकमेल नहीं होंगे क्योंकि 74 साल उनकी उम्र हो गई है और वो पार्टी के साथ भी बहुत लॉयल है, यानी उनकी अपनी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखिए अगले दिनों में इसमें क्या निकलता है, क्योंकि हो सकता है सदर अगले 24 घंटे में ऐलान कर दें। मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ये खबरें गलत तो नहीं है और सदर मुमलिकत इसकी तरदीद तो नहीं कर देंगे। तो एक साहब ने कहा कि सदर की तो गुड्डी चढ़ी हुई है इन खबरों से, तो वो क्यों तरदीद करेंगे, तरदीद कोई नहीं उनका ये कहना कि करेंगे। हाँ, अलबत्ता वो तारीख का ऐलान शायद कुछ दिन बाद कर सकते हैं ताकि हुकूमत का जवाब आ जाए। बुनियादी बात यह है कि हुकूमत ने उनको बताना है, वज़ीर कानून ने उनका पैगाम हुकूमत तक पहुँचाना है, पहुँचा भी दिया होगा, लेकिन उसके बाद ये मामला तय पाएगा। नाज़रीन, अब अगले अहम मामले की जानिब चलते हैं। नैब से एक और इस्तीफ़ा आ गया है। आपको याद है जब पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ तो हफ्ता ख़त्म होने के आखिरी दिन यानी जुम्मे के रोज़ नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का इस्तीफ़ा आ गया। उन्होंने भी कहा मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आज डिप्टी चेयरमैन नैब जो है ज़ाहिर शाह साहब, उनका भी इस्तीफ़ा आ गया और उन्होंने भी कह दिया कि मैं ज़ाती वजूहात से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मुझे भी चिंता हुई थोड़ी, मैंने इधर उधर अपने सोर्सेज को खंगाला। ज़ाहिर शाह को अपॉइंट किया गया था PTI के ज़माने में और उन्होंने कुछ अरसा कायम मकाम चेयरमैन का भी संभाला होता, लेकिन वो उनकी चूँकि हमारे यहाँ तो एक प्रॉब्लम ये है कि आप किसी के साथ भी किसी के दौर में भी अपॉइंट हो तो आपका किरदार मशकूक रहता है। वो इस हवाले से एक और अहम इशू है जिस पर कल हम बात करेंगे। तो ज़ाहिर शाह से मेरी इतला है कि उन्हें पैगाम दिया गया कि आप अपना ओहदा छोड़ दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि आपको वैसे भी 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बहरहाल उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, वजूहात ज़ाती लिखी हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ही रिकॉर्ड पर जब चीज़ें सामने आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ही सामने आएंगी। लेकिन ये हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि नैब के दो बड़े ओहदेदार जिनके बगैर नैब आगे बढ़ना नैब का ज़रा मुश्किल है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के पास भी बहुत सारे मामलात हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल ना हो तो नैब के रेफरेंस आगे नहीं बढ़ सकते। बहर देखते हैं क्या होता है इसमें। अब नाज़रीन आते हैं तीसरे अहम मामले की जानिब। तीसरा अहम मामला नाज़रीन ये है वो कराची। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2012 को यानी 2012 में बलदिया टाउन में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी। उसके बाद उस वक्त की हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर अचानक मामला MTM पर पड़ा और फिर MTM बैकफुट पर जाती गई और ये इल्ज़ाम MTM के लोगों पर आया। उसमें नाज़रीन जब ये गिरफ्तारियाँ हुई तो उसमें ज़ुबैर चरिया, वो उनका ताल्लुक भी MTM से बताया जाता है, रहमान भोला MTM के सेक्टर ऑर्गनाइजर कहलाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। रऊफ़ सिद्दीकी को भी गिरफ़्तार किया गया। MTM के एक रहनुमा थे आदिल सिद्दीकी, वो फौत हो गए, वो भी गिरफ़्तार हुए थे लेकिन बाद में उनको भी कर दिया गया। फिर उनमें ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुनाई गई थी और सजाए मौत ये 2 अप्रैल 2020 में सुनाई गई, 8 सितंबर 2020 में सुनाई गई। उन्होंने फौरी तौर पर अपीलें दायर कर दी सिंध हाई कोर्ट में। और आप देखिए कि इस केस में 259 लोग अपनी जानों से गए थे,
यानी 259 लोग हलाक हुए और जांबाक हुए और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग अभी मुश्किल में। लेकिन सस्ता और फौरी इंसाफ ये है कि 2012 में होने वाले वाकये का फैसला 2020 में आता है, सजाए बहुत सुनाई जाती है, उसकी अपील आती है और फिर तकरीबन 3 साल के बाद उस अपील का फैसला होता है। अब भी सितंबर है, उस वक्त भी सितंबर में अपील हुई और 3 साल के बाद अदालत जो है वो उस फैसले को बरकरार रखती है। रहमान बोला और जुबैर चरिया के की सजाएं बरकरार रखी हैं। फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे शाहरुख, फजल, अरशद महमूद और अली मोहम्मद, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उसको भी बरकरार रखा। रऊफ सिद्दीकी और MCM के एक दो लोग उनके साथ और थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। लेकिन अदालत ने उनकी रिहाई का जो फैसला था, क्योंकि उन्हें एग्जोनरेट कर दिया गया था, उसको भी बरकरार रखा है। बहरहाल आप देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब एक अपील का मरहला बाकी है। हुकूमत रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ और जो रहमान भोला हैं या जुबैर चरिया, वो अपनी सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखिए कितना वक्त लगता है। लेकिन नाज़रीन, बुनियादी बात यह है कि जहाँ 300-250 लोग मर गए, 260 लोग जल कर मर गए, वहाँ इंसाफ में इतनी ताखीर, अगर फिर अदालत को बुरा भला नहीं लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।